तो तब बनेगा ना, पूरा देश संगठित होगा। आज मेरा देश तो खंड खंड में बट रहा है। भारतीय सेना एक ही है ना भाई साहब, भारतीय सेना एक ही है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है इस देश में तरह तरह की सेनाएं बना दी हरामजादे नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के कारण। हरामजादे नेताओं, हाँ हरामजादे नेताओं ने, बिल्कुल हरामजादे नेताओं ने, बिल्कुल देश हित में काम कर। साथियों साथियों, इन हरामजादों ने देश का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल, इन सैनिकों को ये वर्दी पहन के राजनीति में नहीं आना पड़ता अगर ये ठीक चलते तो। जब आपके कपड़े फटते हो आपको बदलना पड़ता है। आज देश के हरामजादे नेताओं ने मुझे कहना पड़ता है, मजबूरन कहना पड़ता है, मेरे दोस्त हमारी आत्माएं रो रही हैं। आज से 35-35 साल पहले जिस समाज को हंसता खेलता छोड़ के गए थे, समाज में भाईचारा होता था, प्यार मोहब्बत होती थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आज 35-35 साल हम देश की सीमाओं पर गोलियां खाते रहे और इस देश के अंदर इस देश के गद्दार नेता कई देश को जाति धर्म में नफरतों की आग लगा के खड़ी कर दी। नफरत बिल्कुल एक साल पहले दिल्ली में दंगे होते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, एक साल पहले दिल्ली में दंगे होते हैं, सैकड़ों हिंदू भाई मारे जाते हैं, सैकड़ों मुसलमान भाई मारे जाते हैं, एक हरामजादा नेता नहीं मरता। और चिंगारी किसने दिखाई? चिंगारी किसने चिंगारी नेताओं ने दिखाई, चिंगारी नेताओं ने दिखाई। और इस देश के अंदर चिंगारी नेता दिखाता नेता एक भी नहीं मरता, आम पब्लिक बिचारी कटके मर जाती है। मैं तो ये कहूंगा इस देश को जोड़ने का काम सैनिक, क्योंकि सैनिक की कोई जात नहीं होती, सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती। सैनिक तो पूरे देश के लिए शहीद होता है, जब सीमा पर सैनिक शहीद होता है तो देश के लिए होता है, ना कि जात धर्म के लिए। साथ ही हम तो एक चीज कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी यहाँ पर रहें और इस देश का आपसी जो अमन चैन है भाईचारा वो प्यार मोहब्बत है। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, देश में नफरतों की बयार बह रही है। आज देश खंड खंड में बांट दिया। आज कहीं करणी सेना, कहीं भीम सेना, कहीं शिव सेना, कहीं परशुराम सेना, कहीं जाट सेना, कहीं यादव सेना, कहीं मुसलमान सेना, कहीं चमार सेना। अरे कितनी सेना, कितनी सेनाएं बनाएंगे? आज इस देश को, देश की आत्मा ध्वनत तोड़ के रख दी, खंड खंड कर दिया। क्या देश को अखंड भारत बनाना, कैसे बनेगा अखंड भारत? बड़ा सुंदर सा मानचित्र बना दिया, उसमें अच्छा कलर कर दिया, मुझे भी अच्छा लगता है। एक साइड में पाकिस्तान, इराक, ईरान जोड़ दिया, एक साइड में बर्मा इत्यादि वगैरह म्यांमार वगैरह कंट्री जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी बनेगा। देश की जनता को आपसी एक बिल्कुल एक बाउंड्री करना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत जगाना पड़ेगा। भारत के सैनिक है, आप पूर्व सैनिक है, क्या आपका दिल रोता है क्या? तमाम बिल्कुल भाई साहब, हमारी दिल नहीं रोता, हमारी आत्मा रो रही है। हमें नेता बनने की जरूरत नहीं थी, ये माँ भारती हमें ये करा रही है, ये माँ भारती हमें चिल्ला रही है, मेरे बेटों सैनिकों आओ मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। हम तो एक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर अगर हमें नेता बनाए तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, इन वीरों जैसा बनाना, इन गद्दार नेताओं जैसा अगर हमें नेता बनाना हो, हे ईश्वर हमें उठा लेना, हमें नेता बनने की कदापि जरूरत नहीं साहब। हम नेता बनने नहीं आए, इस देश को बचाने के लिए आए हैं। और मुझे यकीन है जिसकी रगों में सच्चा खून होगा, इस माटी से प्यार करता होगा, इस देश से प्यार करता होगा, उस वो जरूर सैनिक से प्यार करता। हमें दलालों के वोटों की जरूरत नहीं है और दलालों के हमें नजदीक लगाने की जरूरत नहीं है। इस देश के सच्चे वीर सपूत जो इस देश माटी से प्यार करते हैं, देश के सैनिकों से जरूर प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा साहब। क्या लगता है खतरे में है क्या देश? बिल्कुल, देश आपको बचाने आए आज, बिल्कुल खतरे में, मतलब आप बताइए। देखिए आज मेरा देश बारूद के ढेर पर लाके खड़ा कर दिया, जिस प्रकार से भाईचारा खत्म हो रहा है, आज देश में चिंगारी लगेगी, देश में कतलेआम हो जाएगा, कतलेआम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर ये देश के नेता, ये देश के नेता करवाएंगे, इसलिए हम लोगों ने सैनिकों को हुंकार भरी है, गृह युद्ध होगा क्या? बिल्कुल, अगर नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।